हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं मेरे हाथ में जो पेपर है, ये आलिमा बैंक का, जो ऑनलाइन हमने अकाउंट खुलवाया था, ऑनलाइन अप्लाई किया था, उसका एटीएम कार्ड आ चुका है। तो ये कैसे मिलता है, क्या तरीका है, इसका क्या प्रोसेसर है, तो चलिए मैं इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ, ताकि आप लोग देख सकते हैं, मंगवा सकते हैं, अपने घर में बैठे मंगवा सकते हैं, कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री में अकाउंट खुलवा सकते हैं, फ्री में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ इसमें क्या क्या है। तो आ चुका है मेरे पास ये एटीएम, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, इसमें क्या क्या निकलता है। यहाँ पे पूरा एड्रेस दिया गया है, मेरा नाम दिया गया है और अलिमा बैंक क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको खोल कर देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो यहाँ से खोलने का ऑप्शन दिया गया है, और इसको परचेज करने के लिए, इसको मंगवाने के लिए आप लोग फ्री में मंगवा सकते हैं अभी। तो यहाँ पे ओपन करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या निकलता है। तो ये ओपन करने का ये तरीका दिया गया है, आराम से यहाँ से खींच सकते हैं, पूरा ओपन हो जाएगा। और इसमें क्या क्या है देख सकते हैं। फिर एक लिफाफा अंदर से निकला है, और यहाँ पे लग रहा है एटीएम कार्ड इसी में है, और इसको भी देख लेते हैं इसमें क्या क्या और है। इसमें तो कुछ नहीं है, बस खाली डब्बा है, ये पूरा खाली है, देख सकते हैं पूरा खाली है, इसमें कुछ नहीं है, बस इसके अंदर एक एटीएम कार्ड लग रहा है, और यहाँ पे एड्रेस ये सब दिया गया है। तो चलिए इसको भी हम फाड़ के देखते हैं, ओपन करके देखते हैं। तो हम लोग फाइनली ओपन कर चुके हैं, और देखते हैं इसमें से कार्ड मेरा निकलता है या नहीं निकलता है। तो देख सकते हैं मेरा कार्ड निकल चुका है, आ चुका है, ये वीजा कार्ड है, आप लोग यहां देख सकते हैं, ये वीजा कार्ड है, और वाईफाई सेंसर भी दिया गया है। आसानी से आप कहीं भी कार्ड को टच करेंगे, ऑटोमेटिक ये कोड कैच कर लेगा, और आसानी से आप लोग इसको देख सकते हैं, ये चिड़िया है वीजा कार्ड, आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको दुनिया के किसी कोने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मंगवाने के लिए बहुत टाइम लगा है, सऊदी अरबिया में अगर मंगवाना चाहते हैं इसे वीजा कार्ड को, तो सबसे पहले आपको यहाँ का नेशनल आईडी, नेशनल एड्रेस बनवाना पड़ेगा। उसके बाद अफसर पे आपका अकाउंट होना चाहिए, अफसर पे अकाउंट होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो अफसर आईडी बनाना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ का नेशनल एड्रेस बनाना पड़ेगा। उसके बाद अलिमा बैंक का जो वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाकर अलिमा बैंक ओपन अकाउंट लिखेंगे, तो वहाँ पे आपका पास ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप पूरा चीज भरेंगे, जो जो चीज़ें मांगेगा वो चीज़ आपको भरना है, अपना एड्रेस भरना है, नेशनल एड्रेस भरना है, उसके बाद जिस देश के आप रहते हैं उस देश का नाम भरना है, और उसका एड्रेस भी भरना है, यहाँ का भी एड्रेस भरना है सऊदी अरबिया का, और जिस देश के आप हैं उस देश का भी आप लोगों को एड्रेस भरना पड़ेगा, उसके बाद ही आप चालू कर सकते हैं। तो ये प्रोसेसर है, इसके जरिए आप मंगवा सकते हैं। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है एटीएम कार्ड को लेकर, क्योंकि बहुत सारा परेशानी आ रहा था ऑनलाइन खरीदी करने में। अगर हम लोग ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो जो सर्विस चार्ज लगता है, डिलीवरी चार्ज लगता है 17 रियाल लगता था, तो आप इसके जरिए हम पैसा पेमेंट करेंगे तो नहीं लगेगा। और ऑनलाइन जैसा कि इंटरनेशनल ऑनलाइन से भी आप कोई भी सामान मंगवा सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल वेबसाइट में कभी भी आप परचेज करेंगे, कोई भी सामान खरीदेंगे, तो सबसे पहले आपको पैसा भरना पड़ता है। तो पैसा भरने के लिए ये वीजा कार्ड होना बहुत जरूरी है, अगर वीजा कार्ड आपके पास नहीं है तो आप पैसा नहीं भर सकते हैं, तो आपका सामान भी नहीं आ सकता है। तो ये तरीका, इसलिए ये वीजा कार्ड हमने बनवाया है, और आप लोग भी आसानी से ऑनलाइन फॉर्म भर कर बनवा सकते हैं। लेकिन बैंक में जाकर बनवाएंगे तो आपका सैलरी पेपर खोजा जाएगा, आपका जो कपिल का एड्रेस है वो मांगा जाएगा। अगर जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसका कोई भी मैनेजर या कपिल आपको सैलरी पेपर देता है, उसके बाद वहाँ का जो एड्रेस है कपिल का साइन होना चाहिए, ये चीज मांगता है बैंक में जाएंगे। लेकिन ऑनलाइन से ओपन करेंगे, ऑनलाइन के जरिए अगर आप अपने अकाउंट बनाएंगे तो आसानी से ओपन हो जाता है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं। फिर भी अगर आपको कोई भी परेशानी होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी हेल्प करूंगा और पूरी चीज बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग भी आसानी से ऑनलाइन के जरिए अपना खाता खुलवा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, अब मेरा एटीएम कार्ड आ चुका है, अगर आपको किसी बैंक में खुलवाना है खाता तो ऑनलाइन के जरिए खुलवा सकते हैं, आपको बैंक जाने की भी कोई जरूरत नहीं है, आसानी से किसी भी बैंक का ऑनलाइन ही खाता अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ये दो तरीका है, अगर आप खुद प्रिंट करना चाहते हैं तो अलिमा बैंक के सेल्फ सर्विस में जाकर वहाँ पे पूरा अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर ये सब डालना है तो प्रिंट होकर कार्ड निकल जाएगा। तो ये दो तरीका है, कुरियर से मंगवा सकते हैं, और एक प्रिंट करके आप खुद आप निकलवा सकते हैं एटीएम कार्ड।